Yes. Student of class 11th, chapter BRS, जिसका एक क्वेश्चन आपने भी लास्ट मीटिंग में देखा ना। अब BRS का एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा फॉर्मेट से हट के भी हो, जिसमें फॉर्मेट के अलावा कुछ और पॉइंट भी दे रखे हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6। सीधे फॉर्मेट को यूज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। फर्स्ट पर क्वेश्चन था, एक और बात बताइए मेरा कैश फ्लो डेबिट से प्लस, क्रेडिट से माइनस, पासबुक क्रेडिट से प्लस, डेबिट साइड से माइनस। जो कैश बुक है वो डेबिट साइड से प्लस, क्रेडिट साइड से माइनस, पासबुक क्रेडिट साइड से प्लस, डेबिट साइड से माइनस। ध्यान दें कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में देखा 10 है। कैश बुक से डेबिट बैलेंस प्लस का होता है तो हिसाब कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस ब्रैकेट में लिखा दो डेबिट एस पर कैश बुक, ये क्वेश्चन में देखा है नंबर 10। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन बताया इसके अंदर ए चेक कॉपीज फाइल होंगे इशू इन फेवर ऑफ करंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक हमने करंट के लिए इशू किया जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया है, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट पॉइंट फॉर्मेट का, तो चेक इशू आपको याद होगा फॉर्मेट का आधार पर ये प्लस करेगा, ये पॉइंट इशू किया जाएगा, ये पॉइंट माइंड यूज कैसे किया था। ए बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर द रिबेट ऑफ रुपीज 20, एक 700 रुपए का बिल था जिसका बैंक ने जो पेमेंट किया वो 20 रुपए की रिबेट के बाद पेमेंट किया, रिबेट होता है डिस्काउंट लाइक डिस्काउंट, तो बैंक ने जो बिल पे किया वो 20 रुपए कम पे किया, यानी बैंक ने पासबुक से माइनस किया 680, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिट इन कैश, लेकिन कैश को पूरी अमाउंट क्रेडिट हुई, यानी कि कैश पे हमने पूरे 700 माइनस कर दिया, तो कैश से माइनस हो गया 700, पासबुक से माइनस हो 680, डिफरेंस क्वेश्चन में 20 रुपए का है,
यहाँ 20 से ज्यादा माइनस हो जाती है, तो या तो यहाँ पर 20 प्लस करो या 20 यहाँ पर माइनस करो, तो आपके बैलेंस दोनों जगह आपस में टैली होंगे। क्वेश्चन कैश बुक का, कैश बुक के अंदर 20 रुपये किस साइड में, प्लस के साइड में, तो 20 रुपये क्वेश्चन में प्लस में आएंगे। और ये आएगा रिबेट चार्जेस नॉट रिकॉर्ड इन कैश फोर्थ ए चेक ऑफ 295 डिपॉजिट रिजर्व हैज बीन डिसअवर्ड, एक 295 रुपए का चेक था वो कैश रूप से डिसअवर्ड हो गया। बताया था मैंने आपसे चाहे चेक हो चाहे बिल हो, अगर डिसअवर्ड हो जाता तो कैश बुक से माइनस पासबुक से प्लस फॉरवर्ड कर दें। तो चेक डिसऑनर, डिसऑनर लाइक से बाउंस भी कर दिया फाइव है, कैश बुक से ये माइनस 295। फिफ्थ पॉइंट सम ऑफ रुपीज 800 सम ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज टू बी क्रेडिट एज 18 पासबुक, गलती होगी 800 रुपये बैंक में जमा किए लेकिन बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से 80 रुपये प्लस किए, तो हमने 800 रुपये जमा किए कैश बुक प्लस हुए 800 लेकिन बैंक ने जो प्लस किए वो किए 18 रुपीज, हमने जोड़ा 800 बैंक में जोड़ा 80 डिफरेंस आज 720 रुपये, तो या तो 720 यहाँ माइनस करो या 720 यहाँ पर प्लस करो, क्वेश्चन कैश बुक का है तो 720 रुपये आपके माइनस करेंगे। 720 हो गया आपका माइनस और रॉन्गली क्रिएटेड बाय पेन 6 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट 2200, जो कैश बुक की पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट हो रखी है कैश बुक की, ध्यान रखे चलना डेबिट साइड अगर आपकी यहाँ पर रिसीव साइड थी और क्रेडिट साइड भी आपकी पेमेंट साइड थी, यानी जो कैश बुक की पेमेंट साइड यानी कि जो क्रेडिट साइड है यानी जो माइनस वाली साइड है वो अंडरकास्ट हो रखी है, दैट मीन्स 200 रुपये हमने कैश बुक कम दिखा रखे इन कंपेयर ऑफ पासबुक, 200 रुपये कैश बुक में हमने कम दिखा रखे पासबुक के मुकाबले में, तो 500 रुपये ज्यादा है कैश बुक में कम है, सॉरी 500 सही 200 रुपये कैश बुक कम दिखा रखे हमने, तो 200 रुपये हमने पासबुक को तो माइनस कर दिए और कैश बुक को माइनस नहीं किए, तो कैश बुक क्या हो गया हमारी अंडर कास्ट, इक्वल करने के लिए या तो माइनस करो कैश बुक या प्लस करो पासबुक, क्वेश्चन किसका है पासबुक के आधार पर है, तो पॉइंट जो है हमारा कहाँ आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा हमारा ये कैश बुक के आधार पर माइनस। ये आ गया पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कैश बुक की पेमेंट साइड आपकी अंडर। लास्ट पॉइंट बिल ऑफ 1000 डिस्काउंटेड टू द बैंक डिसऑनर, डिसऑनर चेक चेक हो चाहे बिल हो माइनस, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल मैंने बताया डिसऑनर चाहे चेक हो चाहे बिल हो माइनस कैश बुक चेक ये अमाउंट देखिए इसकी बंद हो टोटल कर लो दोनों साइड के अंदर ये आया 10,520 5,11 2
3.15. ये डिफरेंस आया इसका 8305 टोटल दोनों साइड में सेम। मैंने बताया ये क्वेश्चन का आंसर होता और आंसर क्या होगा अगर क्वेश्चन फेवरेबल बैलेंस कैश पर चला तो आंसर फेवरेबल बैलेंस एस पर पास होगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा फेवरेबल बैलेंस एस पर पास, फेवरेबल बैलेंस एस पर। ये हमारे क्वेश्चन का दिक्कत के बारे में नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा अगर कैश बुक के आधार पर चलेगा तो आंसर पासबुक में आएगा, और क्वेश्चन अगर पासबुक के आधार पर चलेगा क्वेश्चन हमारा कैश बुक से आएगा। दूसरी बात, जहां बैलेंस लेके चल रहे हो आंसर उसके अपोजिट साइड में आना चाहिए, यानी अगर आप बैलेंस प्लस में लेके चलो तो आंसर माइनस में आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन माइनस में लेके चलो बैलेंस तो आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। ये बात ध्यान रखे चलना, अगर नहीं आता फिर क्या होगा तो क्वेश्चन आया तब आपको बताऊंगा। ओके आज की क्लास आपकी ओवर होती है।